आसीन राजस्थान पत्रिका के फेसबुक पेज पर लाइव आए राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से प्रदेश के सेवारत फार्मासिस्ट ने 10,000 कमेंट कर सवाल दागे। सेवारत फार्मासिस्ट चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से 36 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट कैडर हेतु डॉक्टर बीएल सैनी समिति द्वारा प्रस्तावित कैडर की मंजूरी को लेकर सवाल पूछ रहे थे। सेवारत फार्मासिस्ट का कहना है कि कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर होने व प्रदेश के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को देश भर प्रथम स्थान दिलाने वाले फार्मासिस्ट की प्रमोशनल कैडर की जायज मांग पर सरकार निर्णय क्यों नहीं कर रही। चिकित्सा विभाग में मात्र फार्मासिस्ट संवर्ग को ही सुनियोजित कैडर के अभाव में पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं है। फार्मासिस्ट कैडर गठन के मुद्दे को लेकर ही आज फार्मासिस्ट ने चिकित्सा मंत्री के राजस्थान पत्रिका फेसबुक पेज पर लाइव आने पर 10,000 कमेंट्स कर सवालों की बौछार कर दी। चिकित्सा मंत्री, क्या सरकार कोरोना का हवाला देकर अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से बच रही है? सेवारत राजस्थान फार्मासिस्ट शिवराज बोरीवाल आसीन ने वीएमआर भारत न्यूज के भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ रोहित सोनी को बताया कि सरकार मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, जिससे फार्मासिस्ट में रोष खत्म हो और अपनी महत्वाकांक्षी सेवा कोरोना के समय मरीजों को दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रोहित सोनी आसीन। सरकार से हमारी 36 सालों से फार्मासिस्ट कैडर संबंधी मांगें चल रही हैं। सरकार को हमने बार बार हमारी समस्याओं के बारे में अवगत भी कराया है और हमारे पदाधिकारियों ने जयपुर भी कमेटी करके सरकार को इसके बारे में अवगत कराया है। और फार्मासिस्ट की अभी कोविड-19 के अंदर बहुत अहम रोल है, जैसे स्क्रीनिंग के अंदर भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी लग रही है। इसके अलावा फार्मासिस्ट मोबाइल टीम के अंदर भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट 24/7 डेज अपनी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा का परचम पूरे देश में लहरा रहा है, उसके अंदर भी फार्मासिस्ट की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी सेवाएं रही हैं। और इसके साथ ही सरकार को हमने 36 साल से अभी तक हमारा कैडर नहीं बनाया गया है, जबकि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट विंग ही एक ऐसे विंग है जिसका अभी तक सरकार ने कोई कैडर नहीं बनाया है, जिससे फार्मासिस्ट में बहुत बड़ा रोष है। और इस रोष के साथ कोविड-19 जैसी महामारी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे हम हमारी महत्वाकांक्षी सेवाएं कोविड-19 के अंदर मरीजों को दे सके। जय हिंद, जय भारत।